मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बताए प्रमुख कारण। केंद्रीय जांच एजेंसी का आया बड़ा बयान। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार 26 फरवरी के दिन गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी सीबीआई ने बयान जारी किया। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई। सिसोदिया को 27 फरवरी यानी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने बताया कि सबूत सामने रखे जाने के बावजूद सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कहा गया, साल 2021 और 22 की आबकारी नीति तैयार करने में और उसे लागू करने में कई तरह की अनियमितताएं की गई थी। यही नहीं, निजी व्यक्तियों को टेंडर दिए जाने के मामले की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें, सीबीआई की तरफ से आगे कहा गया कि डिप्टी सीएम को 19 फरवरी को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन सिसोदिया ने व्यस्त होने के कारण एक सप्ताह का समय मांगा था। सीबीआई ने इसके बाद 26 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। उसी दिन घंटों चली पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने बताया कि सिसोदिया ने जिन सवालों के जवाब 17 अक्टूबर 2022 की पूछताछ में नहीं दिए थे, वो सवाल दोबारा पूछे गए। इसके अलावा मामले में उनकी आपराधिक भूमिका के बारे में भी पूछा गया। जांच एजेंसी के मुताबिक इन सभी सवालों का जवाब देने से सिसोदिया बचते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी नीति केस में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री के अलावा 14 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी ने 25 नवंबर 2022 को कोर्ट में मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी के सीईओ और 6 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को बेकसूर बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है, लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे, इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। वहीं गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने भी आप पर निशाना साधा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, आखिरकार शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। मनीष सिसोदिया को शराब से बर्बाद हुए परिवारों के माताओं और बहनों की हाय लगी है। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का एक और भ्रष्ट मंत्री जेल में है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। इनमें से दो लोग जेल जा चुके हैं, अगला नंबर केजरीवाल का है। नई शराब नीति को लेकर 22 जुलाई 2022 के दिन दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप भी लगाए थे। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।